Hi guys, welcome back to in my channel. So today I review this channel. So today I review this product and this is product is Himalaya Fairness Kesar Face Pack. तो आज मैं review करने वाली हूँ face pack का and मैं demo भी देने वाली हूँ. Face review करने के बाद मैं दूंगी demo. तो चलिए देख लेते हैं इसका पहले review. तो ये फेयर केस तो फेस पैक इसके हिमालय के दो फेस पैक आते हैं, एक नीम फेस पैक एंड एक केसर फेस पैक. तो ये केसर फेस पैक फेयरनेस केसर फेस पैक है ये. तो ये इस तरह की ट्यूब पैकेजिंग में आता है. इसका नेट वेट है 100 ग्राम. तो मुझ पर इस तरह की दो पैकेजिंग है. तो मेरे पास इसकी दो पैकेजिंग है, ये 100 ग्राम्स एंड ये 50 ग्राम्स का. ये सेम है इसकी पैकेजिंग बिल्कुल. बस ये 50 ग्राम्स का और ये 100 ग्राम्स है. इसमें ये अंतर है और इसमें लिखा हुआ है सिंस 1930 एंड इस पर लिखा हुआ है हर्बल हिमालय हर्बल्स ओनली. और ये 100 ग्राम्स तो इसका प्राइस है 135 जो कि यहाँ लिखा हुआ है एंड इसका प्राइस है 75 50 ग्राम्स का. बस इसमें और कोई भी अंतर नहीं है, बिल्कुल ये सेम है. तो चलिए देख लेते हैं इसका रिव्यू इससे. तो ये इस तरह का इसमें केसर एंड टर्मरिक ऐड है जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हेल्प करता है क्लीनिंग के लिए, वाइटनिंग के लिए एंड लाइटनिंग के लिए. तो ये इस पर लिखा हुआ है क्लींस करता है, लाइटनेस ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है ये हमें एक्ने से. तो फेयर जिनका कलर फेयर है तो उनके लिए बहुत ही अच्छा फेस पैक है ये. जैसे कि हम सभी जाने हुए हैं इसमें कोई भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स नहीं है, केमिकल्स नहीं है, ये प्योरली हर्बल होता है. और इस पर लिखा हुआ है 100 ग्राम्स का है ये और इस पर इसकी प्राइस लिखी हुई है. तो ये हो गया इसका रिव्यू. अब देख लेते हैं हम इसका डेमो. तो डेमो के लिए सबसे पहले मैंने अपना फेस वॉश से क्लीन कर लिया है और उसे मैं अपनी टॉवल से पोंछ लेती हूँ. इसी के बाद में हमें कोई भी प्रोडक्ट या फेस पैक कुछ भी यूज करना चाहिए, सबसे पहले हमें अपना फेस अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए. तो अब मैं ले रही हूँ हिमालया का फेस पैक जो कि है फेयर स्किन के लिए अच्छा. तो ये मैं अपनी फिंगर से ही पूरे फेस पर लगा लूँगी. मैं सबसे पहले अपने गाल पर लगाऊँगी सर्कुलर मोशन में. उसके बाद मैं अपने पूरे फेस पर इसे अप्लाई कर लूँगी, नोज पर, गाल पर, पूरे फेस पर. और हमें आई एरिया को अवॉइड करना है. स्पेशली हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें आई एरिया को हमेशा इन चीज़ों से अवॉइड करना है. वैसे ये चीज़ें हर्बल्स होती हैं पर फिर भी इसमें थोड़ा बहुत केमिकल्स होता ही है. तो इसलिए हमें अपनी आई एरिया से तो इन बाहर के प्रोडक्ट को सभी को अपनी एरिया को बचा के रखना है. और गाइस मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए. मैं इस तरह की वीडियो लाती रहूँगी. ये करवा चौथ स्पेशल वीडियो है जिसमें मैं अपनी करवा चौथ की तैयारी कर रही हूँ और वो मैं अपने आपके साथ में शेयर कर रही हूँ. तो उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ज़्यादातर हिमालया के प्रोडक्ट जिसमें मैंने पहले यूज किया है ये फेस पैक. और मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगी और भी अपने फेस पैक को लेकर एंड स्क्रब को लेकर एंड मैं फेशियल की वीडियो भी आपके साथ में शेयर करूँगी. अपने होम मैं अपने हाथों से ही अपने फेस की फेशियल करूँगी. तो आप भी मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना. तो ये मैंने पूरी अपने फेस पर लगा लिया है और हम अपनी गर्दन पे भी इसे लगा सकते हैं आराम से. अब मैं इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी. 10 से 15 मिनट में ये ड्राई होगा मेरे फेस पर, फिर हम इसे साफ करेंगे. मैंने स्पीड बढ़ा दी है चलाने की क्योंकि अगर मैं स्पीड नहीं बढ़ाती तो ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती. तो देखिए अब मेरा ये फेस पैक सूख चुका है पूरी तरह से. तो अब मैंने इसके लिए ले लिया एक स्पॉन्ज. ये स्पॉन्ज से बहुत अच्छी तरह निकल जाता है तो मैंने इस स्पॉन्ज को गीला कर लिया है और मैं इसे हल्के हाथों से रब कर रही हूँ. रब करने के साथ साथ इसे निकाल रही हूँ. तो इस स्पॉन्ज के साथ स्पॉन्ज से साफ़ करने का फ़ायदा ये होता है कि ये हमारी डेथ स्किन को अच्छी तरह निकाल देता है फेस पैक से. जितना हम हैंड वॉश से धोते हैं तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, पर ये मुझे तो स्पॉन्ज से साफ़ करना बहुत अच्छा लगता है. अगर आप भी चाहें तो आप मार्केट में ये स्पॉन्ज आराम से मिल जाती है 20-30 रुपये की. और इसे फेस पैक के लिए, स्क्रब के लिए बहुत ही अच्छी रहती है. ये हमारे फेस को क्लीन कर देती है. बस इसे पानी में डुबोना है और इसे निचोड़ के अपने फेस पर अप्लाई करना है. तो इससे मैं अपने पूरे फेस को साफ कर लिया है और फिर मैंने धो लिया है ये पानी से.
और मैं इसे अपनी फिर से एक टॉवल से पोंछ रही हूँ। अब देखिए मेरे फेस पे कितना अंतर आया है, मेरे फेस से सारी डेथ स्किन निकल गई है, कितना ग्लो आया है एंड मेरी स्किन बिल्कुल क्लियर हो गई है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है मालिया का फ्रेंड्स, अगर आप भी यूज़ करना चाहते हो उसे ज़रूर यूज़ करना। अगर मुझे इसकी लिंक मिलेगी तो मैं इसे दे दूँगी। बाय।